हेलो फ्रेंड्स, आप दिख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरु जी। फ्रेंड्स, आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाकर के एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें। और जस्ट इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था उसमें कि भाई कैसे आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया था, ठीक है। जाकर चैनल पर देखने, अन्यथा ऊपर आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगा, जाकर के वहाँ से आप इसको जो है एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, क्या प्रोसेस है, वहाँ लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं पूरा प्रोसेस बताया। एडमिट कार्ड सीधा डाउनलोड करने की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा जो कि COVID-19 सिम्टम्स के कारण यहाँ पर बताई गई हैं, तो वो ध्यान से देख लीजिएगा, आपको दिक्कत इसमें ना हो अगर आप कुछ गलत मेंशन कर दें वहाँ पर, तो ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, नीट की प्रत्येक इन्फॉर्मेशन, प्रत्येक काउंसलिंग कराई जाएगी और प्रत्येक स्टेट की काउंसलिंग आपको, प्रत्येक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी काउंसलिंग से रिलेटेड, और मैं पूरी काउंसलिंग आपको कराऊंगा कि कैसे कैसे काउंसलिंग का प्रोसेस है, क्या प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और कोई क्वेरी वगैरह हो कमेंट में पूछिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, 12 सितंबर को एग्ज़ाम है, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करें, फुल सिलेबस करने की कोशिश करें, ठीक है। डेली मैं अनअकैडमी पर क्लास देता हूँ, लिंक प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जाकर के फॉलो कर ले, जिससे मेरी क्लास की नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। मैं फुली NCERT बेस आपको क्वेश्चन कराता हूँ, फुली मॉक टेस्ट। फ्रेंड्स, 7 सितंबर 2 बजे से एक आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज है अनअकैडमी का, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। ऑल इंडिया रैंक प्रेडिकेटर बीजू सॉल्यूशन प्रत्येक क्वेश्चन का आपको मिलेगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी, मेरा कोड इस्तेमाल करके आप एनरोल कर लेना, TCA10 डाल करके, और इसी कोड से आप सब्सक्रिप्शन भी अनअकैडमी का ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, TCA10 डाल करके आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अनअकैडमी आप फाइनेंस पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, फर्स्ट सब्सक्रिप्शन फाइनेंस पर लेते हैं तो ये कोड डालकर अप्लाई करना, TCA10 कोड। सब्सक्रिप्शन लेने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने। साथ ही फ्रेंड्स, 2022-23 के लिए बैच स्टार्ट कर दी, इसके लिए मेरे कोड से आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा TCA10 डाल करके, तभी आप इस बैच में एनरोल कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड डाउनलोड आपने कर लिया होगा, और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले कुछ ऑप्शन आपके सामने आ रहे होंगे, कुछ ये ऑप्शन आपके सामने आ रहे होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब इन ऑप्शन में आपको क्या क्या फिल करना है, देखिएगा, लास्ट 14 दिन का बोला गया है, पिछले 14 दिन तक, आज से पिछले 14 दिन तक अगर आपको कोविड की कोई भी दिक्कत परेशानी हुई हो तो आपको यहाँ पर टिक करना है। बोला है कि कुछ सिम्टम्स आपको मालूम पड़े होंगे, जैसे अगर आपको फीवर हो रहा हो, पिछले 14 दिन से अगर आपको फीवर आया हो तो आपको टिक करना है, कफ आ रहा हो तो टिक करना है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत हुई हो पिछले 14 दिन के अंदर तो आप इनको टिक करिएगा, ठीक है। टिक करेंगे तभी सबमिट करेंगे, तभी एडमिट कार्ड आपको आएगा। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है तो उस पर टिक करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है, खाली ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिएगा, इन तीन में आपको क्या करना है, इनमें बोला गया है कि बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट द कन्फर्म केस ऑफ COVID-19। क्लोज कॉन्टैक्ट मीन्स बींग द लेस देन 1 मीटर और मोर देन 15 मिनट, ठीक है। यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि अगर आप किसी के कांटेक्ट में नहीं आए हैं, जैसे कि किसी, अगर किसी को कोविड वगैरह है उसके कांटेक्ट में अगर आप नहीं आए हैं तो यहाँ पर यस और नो का बटन आएगा इस तरह का, अगर नहीं आए हैं तो नो करके आप नो कर सकते हैं, अगर आए हैं तो यस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे यहाँ पर बोला है कि नॉट बीन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ए पर्सन सफरिंग COVID-19 नॉट अंडर द मैंडेटरी क्वारंटाइज, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। हम बोला है कि हम किसी भी ऐसे पर्सन के अंडर नहीं आए हैं, हम किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आए हैं जिसको कोविड के सिम्टम्स वगैरह हो, कोविड हो या वो क्वारंटाइज हुआ हो, ठीक है। तो हम ऐसे किसी बंदे के कांटेक्ट में नहीं आए हैं, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन छात्रों को हो रहा है। ट्रेवलिंग फ्रॉम सिटी, अगर आपने बोला है कि अगर पिछले 14 दिन से अगर आपने कहीं ट्रेवल किया है कहीं गए हों, ठीक है, तो अगर गए हैं तो यस करना, नहीं गए हैं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आगे आपको सबमिट करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आगे देखिएगा फ्रेंड, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो नीचे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो वही है जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर देखिएगा सिटी क्यों आ रहा है, यहाँ बोला था कि ट्रेवल, अगर आपने पिछले 14 दिन के अंदर अगर कहीं भी ट्रेवलिंग किया आज से 14 दिन पहले तक, तो आपको यह टिक करके बताना होगा भाई हम किस सिटी और किस कंट्री में गए थे,
ठीक है, डेट बतानी होगी कि हम कब से कब तक ट्रेवलिंग पर रहे थे। तो अगर आप एक गए हैं, दो बार गए हैं, तीन बार कहीं भी गए हैं, तो आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा टिक करके, ठीक है। अगर आप टिक नहीं करते, नहीं गए हैं कहीं पर, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है, इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। उसके बाद फ्रेंड्स आगे फ्रेंड्स आपको अपना कैंडिडेट फ़ोटो, जो आपने फॉर्म में फ़ोटो लगाया था वो फ़ोटो आपको लगाना है। आपको अपना लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगाना है, अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करवाने हैं यहाँ पर, और कैंडिडेट को आपके अपने सिग्नेचर करने होंगे, जो कि फ्रेंड्स एग्जामिनेशन जब होगा तो उसी दिन आपको करवाना होगा। जो आपके इन्विजिलेटर होंगे, ठीक है, जिनकी ड्यूटी आपकी क्लास में होगी इन्विजिलेटर की, वो खुद अपने सामने कराएंगे, ठीक है। बस यही, ज़्यादा कुछ नहीं है। और फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट पेज पर देखने को मिलेगा कि प्लीज़ पेस्ट ऑफ द पोस्ट कार्ड फोटो। जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपने दो फोटो लगाए होंगे, एक पोस्ट कार्ड फोटो, एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो, दो फोटो लगाए होंगे। तो वो पोस्ट कार्ड फोटो जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया था, वो फोटो 4x6 का होगा, वो कलर फोटो आपको यहाँ पर लगा कर ले जाना होगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है, वो लगा कर यहाँ पर ले जाना होगा, 4x6 का फोटो होगा, ठीक है, उसको पेस्ट करके यहाँ पर लेकर जाना होगा। बाकी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको 4x6 का पोस्ट कार्ड फ़ोटो लगाना होगा, ठीक है। और यहाँ आगे सेकंड में बोला गया है कि इन्विजिलेटर सेल इंश्योर द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर पेज मैच द फोटोग्राफ सिग्नेचर। जो इन्विजिलेटर है वो आपके अपने सामने फ़ोटो और साइन करवाएगा आपसे, तो जो आपने फॉर्म में एडमिट कार्ड में साइन वगैरह होगा तो मैच करेगा कि भाई क्या बंदा वही है, दूसरा तो बंदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद शुड साइन अक्रॉस फोटोग्राफ कैंडिडेट राइट साइड में आपका, ठीक है, आपका साइन क्रॉस फोटोग्राफ पर कराएगा, ठीक है। और आपकी एडमिट कार्ड पर जो भी डिटेल्ड मेंशन की गई है वो आपकी सभी मैच करेगा। अगर आप डिसक्वालीफाई किए जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। और मैंडेटेड टू हैंड ओवर द इन्विजिलेटर, ठीक है। और कोई क्वेरी वगैरह हो कमेंट में पूछिएगा। बाकी यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई है फ्रेंड्स, ठीक है, वो मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा तब आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और कोई क्वेरी वगैरह हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुँचती रहे।